हमारे देश में नवरात्र की तरह छठ पूजा का भी अपना एक महत्व है। बिहार और इससे सटे पूर्वांचल में इस त्योहार की ज्यादा मान्यता है और यहाँ से जुड़े लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। वैसे छठ पूजा का कार्यक्रम 4 दिनों तक चलता है। इसके पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं, तो वहीं दूसरे दिन को खरना और तीसरे दिन पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। तो वहीं इस पूजा में सबसे ज्यादा महत्व सूर्य अर्घ का होता है। आपके जहन में भी बार बार सवाल उठता होगा कि आखिर सूर्य की उपासना क्यों की जाती है। बता दें आपको कि छठ देवी को सूर्य की बहन कहा जाता है, तो वहीं छठ पूजा में डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर छठ पूजा में सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है। कहा जाता है कि सुबह, दोपहर और शाम तीनों वक्त सूर्य देव विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। एक और बात कही जाती है कि शाम के वक्त सूर्य भगवान दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसलिए प्रत्युषा को अर्घ देना तुरंत फायदा देता है। इसके साथ ही एक और जानने वाली बात ये है कि सुबह के समय सूर्य की आराधना से सेहत बेहतर होती है, दोपहर में पूजा करने से नाम और यश बढ़ता है और शाम के वक्त सूर्य की आराधना से जिंदगी में संपन्नता आती है। डूबते सूर्य को अर्घ देने के पीछे ज्योतिषों का कहना है कि डूबते सूरज को अर्घ देने से जिंदगी में परेशानी झेलने की शक्ति आती है और साथ ही ढलते सूर्य को अर्घ देकर कई मुश्किलों से निजात पाई जा सकती है। SPN 9 न्यूज से जीजी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।